मन के सवाल में आज का प्रश्न जर्मनी से है और इसे पूछा है गरिमा ने। गरिमा को अपने देश की सुगंध बरबस खींचती जाती है और यही उसकी गरिमा भी है, और ऐसी ही गरिमा से संसार भर में रह रहे भारतीय इस एहसास से ये जी आनंदित हो सकें, इसे सहेज कर रख सकें, इस एहसास को जो गरिमा का है, तो बात कुछ और हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले गरिमा की भावनाएं सुनते हैं अपने देश के प्रति। नमस्कार गुरुजी, मैं गरिमा बोल रही हूँ जर्मनी से। मुझे इस देश में आए हुए कुछ ही समय हुआ है। यह देश बहुत विकास कर चुकी है। यहाँ की सरकार नागरिकों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करती है और यहाँ की प्रकृति, पेड़ पौधे, नदियाँ सबकी सुरक्षा की जाती है। लेकिन सब अच्छा होने पर भी मेरा मन इधर लगता ही नहीं। यूँ तो धरती माँ एक ही है, लेकिन हमारे भारत भूमि का महत्व और इतिहास अन्य देशों से काफ़ी बड़ा है। हमारे भारत में भगवान के कई अवतार और महात्मा जन्मे हैं। गुरुजी, मेरी विनती है कि हमारे भारत भूमि का महत्व कृपया आप स्पष्ट रूप से वर्णन करें। मेरा और एक प्रश्न है कि आजकल की युवा भारत भूमि छोड़ विदेश में शिक्षा और नौकरी प्राप्त कर वहीं बस जाना चाहते हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? धन्यवाद। तुमने एक वाक्य सुना होगा गरिमा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों कहा गया यह वाक्य कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? क्या हम अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं? क्या यह बात है? बात यह नहीं है, क्योंकि विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला अनुसंधान करने के बाद कि जिस समय भारत में वेदों की रचना हुई उस समय भारत युवा था, जवान, यंग, और बाकी सारा संसार, उन वैज्ञानिकों का कहना है कि बाकी सारा संसार जैसे घुटनों के बल सरकता कोई बच्चा हो। अब जो बच्चा घुटनों के बल सरक रहा है, ना वह बोलना जानता है, ना अपना कुछ करना जानता है, बस सरकते सरकते जो कुछ मिल जाएगा उसे खा लेगा। और जो युवा है उसके पास एक भाषा होगी, संस्कार होंगे, संस्कृति होगी। तो ये विश्व भर के वैज्ञानिकों का निष्कर्ष रहा कि हजारों साल पहले जब संसार घुटनों के बल सरक रहा था उस समय भारतीय संस्कृति अपने चरम पर थी, और यहाँ की संस्कृति एक ही रही है। और रही क्या है वो, कि एक खोज, अनंत की खोज, विराट की खोज। और उस विराट की खोज में हमारी भारतीय संस्कृति ध्यान की ओर गई, ध्यान के मार्ग से परमात्मा की ओर यात्रा की। हजारों हजारों वर्षों से ये भारत भूमि ध्यान की भूमि रही है, ये देव भूमि रही है। यहाँ पर पशु मनुष्य बने, मनुष्यों से देवता बने, और देवत्व से परमात्मा की यात्रा पर निकले। ऐसी भारत भूमि जिसके कण कण में ध्यान की सुवास है। यहाँ की हवाओं ने, पेड़ों ने, पत्तों ने, पानी ने, सभी ने उस ध्यान की उस ऊर्जा को सोख लिया, और आज भी वह महा ऊर्जा इस वायुमंडल में व्याप्त है। यही कारण है कि वहाँ सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी प्यासी आत्मा भारत के लिए
छटपटाती है, व्याकुल रहती है, जैसे मछली बिना जल के। दो शब्दों को समझ लो, सुख और सुविधा। इन दोनों शब्दों को लोग साथ साथ जोड़कर चलते हैं कि सुख सुविधा, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। पश्चिमी देशों में सुविधा ही सुविधा है, सुख नहीं है। भारत में सुख ही सुख है, सुविधा नहीं है। सुविधा का संबंध साधनों से होता है, बाहरी चीज़ों से। जैसे अभी तुमने बताया कि वहाँ पर सब कुछ है, वहाँ की सरकार भी अपने नागरिकों को खुश रखने का पूरा ध्यान रखती है, पूरी कोशिश होती है कि उनके नागरिक खुश रहें। तो खुश किससे होंगे? सुविधाओं से, कंफर्ट से। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने देश के नागरिकों का कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा रखती है, तो सुविधा रहती है वहाँ पर। अब जो सुख का संबंध है वो हृदय से है। बाहर के साधनों से, सुविधाओं से शरीर को तो पोषण दे दिया, शरीर को तो आराम दे दिया, लेकिन मन, चेतना, उसको कहाँ से आराम मिलेगा? उसको आराम मिलता है भक्ति से, ध्यान से। तो ध्यान और जो भक्ति की गंगा है वो भारत में बही और आज भी बह रही है और सदा बहती रहेगी। और इसी ध्यान की गंगा के कारण, इसी भक्ति की गंगा के कारण ये जो भारत भूमि है ये ध्यान की ऊर्जा से अनुप्राणित हो चुकी है, सुगंधित है। और यही कारण है सबसे बड़ा कि भारत की हवाओं में एक शांति है। आदमी कम खाकर भी, भूखा रहकर भी यहाँ शांत रह सकता है। और पश्चिमी देशों में पेट भरने के बाद भी, सब कुछ मिल जाने के बाद भी भीतर की आत्मा प्यासी रहती है, अतृप्त रहती है। आज भारतवर्ष में पश्चिम से अनेक लोग आकर ध्यान साधना कर रहे हैं। पश्चिम भारत का मुख देख रहा है कि वह उसे, उसकी प्यासी आत्मा को तृप्त करे। भारत में आज न जाने कितनी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि वे हर प्रकार से ये प्रयास करती हैं हर जीव की यात्रा हो जाए, प्रत्येक जीव की यात्रा उसके तल से वे कराने का प्रयास कर रही हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में निराशा का तल बहुत कम है, क्योंकि उसके पास आधार है। राम की ओर जाने का जो एक भीतरी भाव है ना, उसका वो उसकी रक्षा करता है बाकी सब चीज़ों से। पश्चिम में भक्ति की खेती नहीं होती और यहाँ सारी खेती ही भक्ति की हो रही है। और जो अन्न उग रहा है वह प्रसाद रूप में सबको प्राप्त होता है, तो एक तृप्ति का भाव रहता है। हमारे देश में ये जो ध्यान की ऊर्जा है यही इसकी सार संपदा है, और इसी को बचाए रखना है, इसी को बनाए रखना है। और यही कारण है कि उसका आकर्षण तुम्हें बरबस यहाँ खींचता है। हमारे देश ने एक काल ऐसा भी देखा है, भगवान राम का काल, भगवान कृष्ण का काल, कि जब यहाँ पर सुख और सुविधाएं दोनों एक साथ हुआ करती थी, विशेष रूप से राम के काल में। तो राम राज्य बार बार क्यों कहते हैं? राम राज्य का अर्थ ही है एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा संतुलन जहाँ पर प्रत्येक आदमी धनी हो, अमीर हो और ध्यानी भी हो, धन और ध्यान दोनों का संगम। यानी राम राज्य एक ऐसा राज्य जब ऐसी सरकार आ जाए कि जो एक एक व्यक्ति को सुखी रखे, सुविधा में रखे, दोनों चीज़ें, उसके कंफर्ट लेवल का इतना ध्यान रखे, इतना ध्यान रखे कि उसे फिक्र ही ना हो किसी भी प्रकार की, कहीं से कैसी भी फिक्र ना हो, उसे कोई चिंता ना हो कि मैं कहीं पर भी असुरक्षित हूँ। जिस दिन
इस देश के नागरिकों में असुरक्षा की भावना नहीं होगी और ये भरोसा होगा कि हम निश्चिंत होकर भक्ति मार्ग की ओर जा सकते हैं। उस दिन यहाँ पर वास्तविक राम राज्य आएगा, क्योंकि राम के समय में यही था। राम के समय में मुश्किल से ही कोई राम के पास शिकायत जाती होगी, मुश्किल ही से। अभी तक तो कोई ऐसा देखने में आया नहीं कि कोई शिकायत राम के पास जाती हो, क्योंकि राम की जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि प्रजा पर कोई कष्ट आने से पहले, कोई असुविधा होने से पहले वो समाधान प्रस्तुत कर देते थे, सॉल्यूशन पहले था। तो जब समाधान ही पहले हो गया, समस्या आने ही नहीं देता था राम राज्य। इतने सयाने लोग थे, पहले ही जान लेते थे कि प्रजा को क्या समस्या अभी आ सकती है, तो उसका निवारण पहले ही कर देते थे। तो सुविधा हो गई सारी, सुविधा के बाद बचा सुख, और सुख मिलता है भक्ति से, ध्यान से। तो पूरा भारतवर्ष साधु संन्यासियों ऋषि मुनियों की ध्यान की ऊर्जा से ऐसा संपन्न हुआ, ऐसा समृद्ध हुआ कि ये युगों युगों तक रहेगा। बस उसे महसूस करना है भीतर। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि भारत की अनेक युवा शक्ति विदेशों में जाकर बस रही है। बहुत से कारण होते हैं। यूं तो अब सारी धरती अपना परिवार है, लेकिन उनके वहाँ बसने के सबके अलग अलग कारण हैं। कोई धन कमाने जा रहा है, किसी को केवल सुविधा चाहिए, सुख नहीं चाहिए। तो जिसे सुविधा ही सुविधा चाहिए वह जा रहा है विदेशों में पढ़ने रहने, और किसी की इच्छा है, किसी को अपने अनुरूप काम मिल रहा है। तो बहुत सारे कोण हैं विदेश जाने के, बहुत सारे वहाँ जाकर बसने के। कोई हर्ज नहीं है कोई अगर विदेश में जाकर रहता है, लेकिन यदि तुम्हारे ही समान उसके प्राण भारत से जुड़े रहेंगे और भारत भूमि से उसका लगाव बना रहेगा, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी वह अपने देश से परिचित कराता रहेगा, अपने देश लाता रहेगा, तो कोई समस्या नहीं। आप दिल्ली में रह रहे हैं और आप नौकरी कर रहे हैं केरल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ सकते हैं अपने परिवार के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भारत में रह रहे हैं या जर्मनी में रह रहे हैं, स्थानीय तो थोड़ी दूरी तो बढ़ गई ना, लेकिन अपने देश के साथ तो जुड़ा रहा जा सकता है ना। आप संसार में कहीं भी रह रहे हों, लेकिन आप अपने देश के साथ जुड़े रह सकते हैं। साल में एक बार 10-15 दिन के लिए अपने देश में आ सकते हैं, और सैनिक भी तो यही करते हैं। पूरे वर्ष तैनात होते हैं सीमाओं की रक्षा करते हुए, और साल में थोड़े दिनों की छुट्टी के लिए घर आते हैं। तो उन सैनिकों से ही सीखा जाए जो विदेश में रह रहे हैं, वे भी समझें कि हम विदेश में आए हुए हैं तो अपने देश भी लौटना है और अपने देश के लिए भी कुछ करना है, अपने देश से नाते नहीं तोड़ देने हैं। जो भी कुछ कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा, कुछ अंश अपने देश की सेवा में भी लगाना है, अपने देश को भी देना है। और किसी तरह से ऋण मुक्त नहीं हो सकते इस देश की धरती से, और कुछ देकर भी नहीं हो सकते। बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, अगर हर साल अपने देश को कुछ डॉलर दे दोगे तो उससे भी इस देश के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, ऋण फिर भी रहेगा। लेकिन भीतर एक शांति आएगी कि अपने देश के विकास के लिए हमने कुछ योगदान दिया, उस देश के लिए जहाँ हमारा जन्म हुआ, जहाँ हमने शिक्षा पाई, जहाँ से इस योग्य हुए कि विदेशों में आकर हम नौकरी कर सकें और रह सकें। बस इतना ही कहूँगा।